हेलो दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए माय डेली लाइफ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इसके पहले वाले लेसन में मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया था और हम लोगों ने टेंस की शुरुआत कर दी थी और आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके बाद और भी नई चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन आज हम लोग अपने बारे में माई डेली लाइफ के बारे में लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए तो अभी तक आप लोगों ने जो सीखा उसकी जाँच भी हो जाएगी तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हेलो दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए माय डेली लाइफ के बारे में लिखेंगे तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आपको एक भी चीज रटना नहीं पड़ेगा आप बिल्कुल रूल को फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन के माध्यम से लिख पाएंगे तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मैं सुबह पांच बजे उठता हूँ यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यदि हिंदी सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता है ते है ती है रहने से हम लोग समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है लेकिन यह टेंस को समझने का एक अपना तरीका है जो अपनी भाषा में हम समझते हैं लेकिन क्या अंग्रेज भी इसी तरह समझते होंगे कि ता है ते है ती है तो बिल्कुल नहीं वो अपने तरीके से समझते हैं यदि मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता हो तो इस तरह से समझाना पड़ता है लेकिन यह एक्चुअल रूल नहीं है मैं सुबह पांच बजे उठता हूं तो सबसे पहले मैं का लिखेंगे आई और उठना का गेटअप होता है आई गेटअप एट फाइव ओ क्लॉक मैं सुबह पांच बजे उठता हूं मैं अपना चेहरा धोता हूं आई वॉश क्योंकि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है फिर वर्ब लिखना है जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब. और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो आप एस या ई एस जोड़ देंगे और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो आई वॉश माई फेस मैं अपना चेहरा धोता हूं उसके बाद है मैं दौड़ने के लिए बाहर जाता हूं तो यहां पर हो जाएगा आई गो आउट यानी बाहर जाना दौड़ने के लिए फॉर रनिंग और आप टू रन भी यूज कर सकते हैं आई गो आउट टू रन या आई गो आउट फॉर रनिंग मैं तैयार होता हूं और नाश्ता करता हूं तो आई गेट रेडी क्योंकि ये खुद के बारे में है तो यहां पर सब्जेक्ट सभी में मैं है आई गेट रेडी मैं तैयार होता हूं और नाश्ता करता हूं एंड हैव ब्रेकफास्ट आप हैव की जगह टेक का भी यूज कर सकते हैं मैं होमवर्क करता हूं आई डू माई होमवर्क उसके बाद है मैं भोजन करता हूं आई हैव माई मील यानी अपना भोजन करता हूं आप माई नहीं भी दे सकते हैं मैं दस बजे स्कूल जाता हूं आई गो टू स्कूल एट टेन ओ क्लॉक मैं अपने शिक्षकों का कहना मानता हूं यानी कि आज्ञा मानता हूं आज्ञा मानना का ओबे होता है आई ओबे My टीचर्स मैं कड़ी अध्ययन करता हूं आई स्टडी हार्ड मैं अपने दोस्तों को प्यार करता हूं आई लव my फ्रेंड्स देखिए कितना ईजी आप लोगों को लग रहा होगा इंग्लिश सीखना आसान है बस आप स्टेप बाय स्टेप सीखें एक ही वक्त में सभी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे मैं शाम में घर आता हूं आई कम होम होम के साथ कोई भी प्रिपरेशन यूज नहीं होता है और हाउस लिखेंगे तो कम टू हाउस लिखना पड़ेगा आई कम होम शाम में इन द इवनिंग आपको समय दिखाना रहेगा कि 10 बजे 12 बजे तो एट यूज करेंगे और सुबह में शाम में इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग इस तरह लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कुछ खेल खेलता हूं आई प्ले सम गेम्स इसके बाद है मैं एक घंटे के लिए पढ़ता हूं आई स्टडी फॉर एन आवर एक घंटे के लिए मैं अपना भोजन करता हूं और 9 बजे तक बिछावन पर चला जाता हूं आई have, आप टेक का भी यूज कर सकते हैं आई टेक माई फूड मील भी लिख सकते हैं एंड और 9 बजे तक बिछावन पर चला जाता हूं गो टू बेड और तक के लिए बाय यूज करेंगे बाय नाइन ओ क्लॉक नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कड़ी मेहनत करता हूं और जीवन का आनंद लेता हूं आई वर्क हार्ड and enjoy life यही मेरा दैनिक जीवन है दिस इज माई डेली लाइफ उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको भी यह लगने लगा होगा कि आप जरूर लिख सकते हैं बोल सकते हैं इन्हीं सभी सेंटेंसेस को खासतौर से इंग्लिश सेंटेंसेस को आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए तो निश्चित तौर पर आपका जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी चलिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल राइट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग